नमस्कार जोहार, झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। टोक्यो ओलंपिक में मेरा भाई चानू ने रचा इतिहास, सिल्वर मेडल जीतकर खोला भारत का खाता। ओलंपिक खेलों के लिए टोक्यो रवाना होने से पहले ही मेरा भाई चानू ने भारत के लिए मेडल जीतने का दावा किया था। मेरा भाई चानू ने देश की झोली में पहला मेडल डाल दिया है। मेरा भाई चानू के कोच ने भी दावा किया था कि सिल्वर मेडल पक्का है। क्वीन एंड जर के आखिरी प्रयास में 117 किलोग्राम का भार उठाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई और उन्हें देश की झोली में सिल्वर डाल दिया। मेरा भाई चानू के मेडल जीते ही पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। मेरा भाई चानू ने अपने सफलता में पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मेरा भाई चानू की उपलब्धि पर खुशी से जाहिर करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने बधाई दी है। झारखंड में मतांतरण की साजिश, पीएम आवास योजना में बने गरीबों को घर को बना दिया चर्च। झारखंड में ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रलोभन देकर मतांतरण कराने का काम जो जारी है ही है। जगह जगह चर्च भी अवैध तरीके से बनाए जा रहे हैं। सरकारी जमीन से लेकर विवादित जमीन तक पर गांव में चर्च बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, कई जगह सीधे साधे ग्रामीणों को बरगला कर मतांतरण कराने वालों ने इंदिरा आवास और पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को उपलब्ध कराए गए आवासों को ही प्रार्थना घर और चर्च में तब्दील कर दिया है। हाल ही के दिनों में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। कई घरों को बाहर से देखकर तो बताना भी मुश्किल है कि यह चर्च है या उपासना स्थल। बाहरी ढांचे में कोई परिवर्तन करने की बजाय इन घरों के भीतर यीशु की मूर्ति या क्रूस को रख दिया गया है। यहां नियमित अंतराल पर लोग जुड़ते हैं और प्रार्थना की सभा के बहाने मतांतरण की गतिविधियां चलाई जाती है। खूंटी जिला अंतर्गत तोरपा प्रखंड के पंडरिया गाँव में प्रधानमंत्री आवास योजना से निर्मित एक ग्रामीण के घर को हेब्रॉन प्रार्थना भवन में तब्दील कर दिया गया है। चौकीदार समर को मिलेगा एसीपी एमएससीपी का लाभ, 56 प्रस्तावों को स्वीकृति। चौकीदार संवर के कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ दिए जाने को लेकर शुक्रवार को स्क्रीनिंग समिति की बैठक हुई। इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों पर समिति ने अंचलावार विचार विमर्श किया। बैठक में प्रभारी उप समाहर्ता जिला सामान्य शाखा संजय प्रसाद ने बताया कि कुल 320 प्रस्ताव प्राप्त हुए, त्रुटि रहित 56 प्रस्ताव पर सहमति बनी है एवं शेष 264 प्रस्ताव को अंचल अधिकारियों से एक सप्ताह के अंदर आगामी बैठक में सुधार के बाद प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। समानालय ब्लॉक में स्थित उपायुक्त सभागार में उपायुक्त समिति के अध्यक्ष छवि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वो विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू, प्रभारी उप समाहर्ता जिला सामान्य शाखा, प्रभारी जिला स्थापना उप समाहर्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी एवं जिला लेखा पदाधिकारी उपस्थित थे। झारखंड में जल्द बड़े पैमाने पर हो सकती है शिक्षकों की नियुक्ति, 24,000 पद पर निकलेगी वैकेंसी। झारखंड में प्राथमिक विद्यालय से मध्य विद्यालय में अपग्रेड किए स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अपग्रेड किए गए लगभग 8,000 स्कूलों में 24,000 शिक्षकों के नए पद सृजित किए जाएंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इसकी प्रक्रिया शुरू करते हुए इसे लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक को पत्र भी लिखा है और अपग्रेड किए गए विद्यालयों के बारे में जानकारी मांगी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र में कहा कि झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा संचालित नए गठित मध्य विद्यालय और उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में नए पद सृजित करने की संभावना पर विचार किया जाएगा। इसके लिए जिलावार स्कूलों की जानकारी मांगी गई है। इनमें ऐसे स्कूल हैं जो प्राथमिक स्तर पर झारखंड सरकार द्वारा संचालित है पर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा मध्य विद्यालयों में अपग्रेड किए गए हैं। इसके अलावा इन स्कूलों की जानकारी मांगी गई है जो जिनका संचालन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जाता है और उन्हें मध्य विद्यालयों में अपग्रेड किया गया है। पत्र में इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, शिक्षकों की संख्या, उनकी योग्यता, पारा शिक्षकों की संख्या और उनकी योग्यता को लेकर पूरी जानकारी मांगी गई। राज्य के सरकारी हाई स्कूल व प्लस टू स्कूलों में होगी कंप्यूटर की पढ़ाई प्रक्रिया शुरू।
राज्य के हाई स्कूल और प्लस टू स्कूल में एक बार फिर कंप्यूटर लैब डेवलपमेंट होंगे। यहाँ के स्टूडेंट के बीच कंप्यूटर की पढ़ाई कराई जाएगी। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से तैयारियां शुरू हो गई है। टेंडर की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। कंप्यूटर लैब बनते ही 5 लाख से अधिक स्टूडेंट को प्रशिक्षण देने का काम शुरू हो जाएगा। हाई स्कूल और प्लस टू स्कूल्स के स्टूडेंट को कंप्यूटर की पढ़ाई करने की योजना 2014-15 से शुरू की गई थी। पैक्स में जमा धान का समर्थन मूल्य नहीं मिलने से किसान फंस रहे हैं महाजन के चंगुल में। केरेडारी प्रखंड के किसान महाजन से कर्ज लेकर खेती करने पर विवश हैं। प्रखंड की 16 पंचायत के किसानों ने अपने क्षेत्र के पैक्सों में धान बेचे थे। बेचे गए धान का पैसा किसानों के खाते में भुगतान होने की बात कही गई थी, लेकिन भुगतान नहीं हुआ है। वर्ष 2020 से महामारी के कारण किसानों की कमर टूट गई है। लगातार लॉकडाउन और सुरक्षा सप्ताह के कारण किसान को उपज बेचने के लिए पर्याप्त बाजार नहीं मिल पाया, जिस कारण किसानों की लागत पूंजी भी डूबती गई और किसानों की भारी नुकसान का सहन करना पड़ा है। किसान झारखंड सरकार द्वारा घोषित धान खरीद के उचित समर्थन मूल्य की बातों में आकर पैक्स में धान देते रहे। पारा शिक्षक संघ ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन। झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल राज्य महासचिव विकास कुमार चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद एजाजुल हक की अगुवाई में शुक्रवार को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात का ज्ञापन सौंपा। संघ ने मंत्री को सौंपे ज्ञापन में अप्रैल 2010 के पहले संविदा आधारित पारा शिक्षकों पर एनसीटीई की ओर से टेट की बाध्यता वाली अधिसूचना लागू नहीं हो सकी, क्योंकि एनसीटीई के अगस्त 2010 में उक्त अधिसूचना जारी की थी। शिक्षा विभाग इस मामले में सरकार और पारा शिक्षकों को गुमराह कर रहा है, इसलिए वर्ष 2010 के पहले नियुक्ति पारा शिक्षकों को सीधे सरकारी शिक्षक पद पर समायोजित किया जाए, मानदेय वृद्धि करने की मांग संघ ने की है। सरकार के खिलाफ साजिश, गिरफ्तार लोगों के पास से विधायकों की लिस्ट मिली। रांची पुलिस ने सरकार के खिलाफ साजिश के आरोप में जिन 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है उनके पास से कई दस्तावेज भी मिले हैं। साथ ही 2 लाख रुपए नगद और हवाई टिकट भी बरामद किया गया है। वहीं बरामद दस्तावेज में कई स्थानीय विधायकों के नाम दर्ज हैं। गिरफ्तार अभियुक्त रांची, बोकारो और पलामू के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार सभी सरकार के खिलाफ साजिश रचने की प्लानिंग कर रहे थे। झारखंड की पंचायतों से आदर्श स्कूलों का होगा चयन। 4091 लीडर स्कूलों को चिन्हित करने का निर्देश। झारखंड के शिक्षा सचिव राजेश कुमार ने अधिकारियों को पंचायतों से आदर्श स्कूल चयन के लिए 4091 लीडर स्कूलों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने उन पंचायतों को प्राथमिकता देने को कहा है जहां सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने 325 आदर्श स्कूलों में आधारभूत संरचना को लेकर भी निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त सचिव ने आदर्श विद्यालयों के प्रभाव को रेखांकित करने पर बल देते हुए कहा कि इसके लिए अगस्त के मध्य या अंत में एक वर्चुअल प्रोग्राम तय करें, जिसमें हेडमास्टर समेत प्रोग्राम से जुड़े सभी लोगों को शामिल कर सके। झारखंड में सेना बहाली के लिए होने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा कोरोना के कारण स्थगित। कोरोना के कारण सेना बहाली की सामान्य प्रवेश परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यह जानकारी रांची जिला प्रशासन के माध्यम से सेना बहाली के निदेशक कर्नल IAS पटियाल ने दी। भारतीय कोयला निगम 56,000 करोड़ रुपए के बकाए का तुरंत भुगतान करे सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को भारतीय कोयला निगम कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल से कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड को खनन हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई सरकारी जमीन पर 56,000 करोड़ रुपए का बकाया राज्य सरकार को तुरंत भुगतान किया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल उनसे मिलने आए भारतीय कोयला निगम के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल से कहा कि बकाया राशि का भुगतान कोल इंडिया लिमिटेड राज्य सरकार को शीघ्र करें। अनाज वितरण में शिकायत मिली तो होगी कार्रवाई। जामताड़ा में गरीबों को अनाज नहीं मिलने की शिकायत पर संबंधित PDS दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शनिवार शाम में प्रखंड सभागार में PDS दुकानदारों के साथ बैठक करते हुए BDO श्रीमान मरांडी ने यह निर्देश दिया। BDO ने कहा कि PDS डीलर गरीब लोगों का भूख मिटाने का काम करते हैं। समय पर अनाज मिलने पर ही गरीब घर का चूल्हा जलता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए दुकानदार समय पर अनाज वितरण करें। बादल पत्रलेख ने कहा कि प्रदेश के 19 लाख किसानों को मिलेगा KCC ऋण का लाभ। प्रदेश के 19 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण मुहैया कराया जाएगा। इसकी घोषणा प्रदेश के कृषि एवं सहकारिता मंत्री बादल
पत्रलेख ने शनिवार को प्रतापपुर में की। कृषि मंत्री पार्टी के एक विशेष कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वहां आए थे। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मिलन समारोह में वे बतौर मुख्य अतिथि थे। विशेष अतिथि के रूप में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष माना सिंह, संजय लाल पासवान, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह तथा झारखंड के महिला मोर्चा की प्रभारी मौजूद थी। शहरी निकायों में PMAY के 36,304 आवासों की आवंटन प्रक्रिया शुरू। झारखंड के शहरी निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना पर काम जारी है। 40 निकायों के लिए 36,303 आवास स्वीकृति हुई है। इसे लेकर नगर विकास विभाग ने लाभुकों को जल्द से जल्द आवंटन पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही निकायों को निर्देश जारी किया है कि वे ऋण की प्रक्रिया शुरू करें और बैंकों से दस्तावेज स्वीकृति करवाए। वही योजना के तहत आवास का निर्माण करने वाले ठेकेदारों को भी रिपोर्ट मांगी गई है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जिम्मेदारी से कर अदा करने वाले ईमानदार करदाताओं को मिलना चाहिए सम्मान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 161वें आयकर दिवस पर शनिवार को कहा कि जिम्मेदारी से कर अदा करने वाले ईमानदार करदाताओं को सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वे राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। सीतारमण ने COVID-19 महामारी के कारण पैदा हुई मुश्किलों के बावजूद अनुपालन की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए भी करदाताओं की सराहना की। भारत में सितंबर तक शुरू हो सकता है बच्चों का COVID-19 टीकाकरण, एम्स चीफ। दिल्ली स्थित एम्स के प्रमुख रणदीप गुलेरिया ने NDTV से कहा कि भारत में सितंबर तक बच्चों का COVID-19 टीकाकरण शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा इससे संक्रमण को रोकने में व्यापक मदद मिलेगी। उन्होंने बताया जायड्स के ट्रायल हो गए हैं और उनसे इमरजेंसी ऑथोराइजेशन का इंतजार है। कोवैक्सीन का ट्रायल अगस्त या सितंबर में पूरा हो जाना चाहिए। प्राइवेट ट्रेन चलाने को लेकर पहले दिन मिली 7200 करोड़ की बोली। इंडियन रेलवे ने 23 जुलाई को प्राइवेट ट्रेन चलाने को लेकर बोली का आमंत्रण किया। रेलवे को 3 क्लस्टर Mumbai 2, Delhi 1 और Delhi 2 के लिए 7200 करोड़ की बोली मिली है। IRCTC और मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने प्राइवेट ट्रेन चलाने को लेकर रिक्वेस्ट फॉर द प्रपोजल जमा किया है। इन 3 क्लस्टर के लिए इंडियन रेलवे 30 जोड़ी प्राइवेट ट्रेन चलाने की अनुमति देगा। हरियाणा में अनलॉक की नई गाइडलाइन। कोरोना वायरस की वजह से हरियाणा में कुछ छूट के साथ जारी प्रतिबंधों को 2 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। इसे सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा नाम दिया है। अब रेस्तरां और बार सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुले सकेंगे। यह रियायत मॉल और होटल में मौजूद रेस्तरां और बार को भी मिलेगी। होम डिलीवरी रात 11 बजे तक की जा सकेगी। जिम सुबह 6 से रात 9 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। दिल्ली पुलिस को मिला 18 अक्टूबर तक NSA के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव को 18 अक्टूबर तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार प्रदान किया है। NSA के तहत सेवा व्यक्ति जो राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा है, उसे 12 महीने तक एहतियात हिरासत में रखा जा सकता है। LPG सिलेंडर में लीकेज से लगी आग व धमाके से गुजरात में 7 लोगों की मौत। गुजरात में एक घर में LPG सिलेंडर से गैस रिसाव से आग लगने और विस्फोटक होने से 7 लोगों की मौत हो गई है। बगल पुलिस विस्फोटक तब हुआ जब पड़ोसी द्वारा उन्हें जगाने के लिए दरवाजा खटखटाने पर एक मजदूर ने लाइट ऑन किया। गुरुवार को इलाज के दौरान 3 की मौत जबकि 4 की शुक्रवार को मौत हो गई। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच 129 लोगों की मौत। पीएम मोदी सीएम ने की मुआवजे की घोषणा। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि पिछले 48 घंटों में महाराष्ट्र के बाढ़ और भूस्खलन में कम से कम 129 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ में भूस्खलन से मरने वाले के परिवार के लिए 2-2 लाख का मुआवजा, जबकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य भर की घटनाओं को लेकर 5 लाख मुआवजे की घोषणा की। अगस्त में भारत के हाथों में होगी UNSC की कमान। तैयारी में जुटा विदेश मंत्रालय। आतंकवाद व अफगान पर धार होगी तेज। इस वर्ष अगस्त में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनेगा। विदेश मंत्रालय इसके लिए अभी से अपनी कार्ययोजना की तैयारी में जुट गया है। मंत्रालय महीने भर का एजेंडा तैयार कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि भारत का फोकस आतंकवाद की फंडिंग और अफगानिस्तान रहेगा। अपने नेतृत्व में भारत इन दोनों विषयों को अंतर्राष्ट्रीय मंच से प्रमुखता से उठाएगा। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार इस माह के अंत में होने की उम्मीद। बन सकते हैं 30 मंत्री।
राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार इस माह के अंत में होने की उम्मीद है। अशोक गहलोत सरकार में नए बनने वाले मंत्रियों के नाम और संख्या तय करने को लेकर रविवार को फैसला हो सकता है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ इस संबंध में बात करेंगे। दोनों नेता कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का संदेश लेकर रविवार को गहलोत के साथ बैठक करेंगे। वेणुगोपाल और माकन इससे पहले पायलट के साथ दिल्ली में बैठक कर चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला टीम को नीदरलैंड ने 5-1 से हराया। टोक्यो ओलंपिक के पहले मुकाबले में भारतीय महिला टीम को नीदरलैंड ने 5-1 के अंतर से शिकस्त दी। नीदरलैंड ने शुरुआत में 6वें मिनट की पहला गोल दागकर बढ़त बनाई। फिर भारतीय महिला टीम की कप्तान रानी रामपाल ने 10वें मिनट में गोल दागकर टीम को 1-1 स्कोर के बराबर किया। इसके बाद नीदरलैंड की टीम भारत पर हावी रही। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर। सीएम हेमंत सोरेन ने दी बधाई। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने 49 किलोग्राम में रजत पदक हासिल किया है। मीराबाई की इस जीत पर सीएम हेमंत सोरेन ने बधाई दी है। जीत की सराहना करते हुए सीएम ने झारखंड वासियों और देशवासियों की ओर से मीराबाई को बधाई दी है। चानू वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी महिला बन गई है। 21 साल के लंबे इंतजार के बाद वेट लिफ्टिंग में यह खिताब मिला है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।